जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोरडिया के ग्राम मोटा खुम्मा कबाड़िया में भूमाफिया द्वारा हल्का बंटवारे की शहर पर फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक खरीदशुदा जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर प्रकरण की जाँच करवाने, भूमाफिया को पाबंद करने तथा षड्यंत्र में शामिल हल्का पटवारी को क्षेत्र से हटाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में पीड़िता संतोष पुत्री भंवर सिंह ने बताया कि ग्राम सोरडिया के मोटा खुम्मा का बाड़िया में एक जमीन 2019 में उसकी मां फूली देवी के नाम पर क्रय की थी। तब से लेकर उसका परिवार उक्त भूमि पर काबिज तथा खेती काश्त कर रहा है। पीड़िता ने बताया कि इस गाँव के निवासी चुन्नी सिंह पुत्र देवी सिंह तथा उसके परिवार के अन्य जन उक्त भूमि को हड़पना चाहते है। इसी मकसद से आरोपियों ने एक बड़े भूमाफिया की शहर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे हैं और इसके जरिए थाना जवाजा से साठ गांठ कर मुझ प्रार्थिया वे मेरे परिवारजन को जबरन झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तंग परेशान करते हैं तथा बार बार थाने बुलाकर डराते धमकाते हैं तथा इसी आशय से हल्का पटवारी को भी अपने प्रभाव में लेकर मेरे कब्जा काश्त में दखल अंदाजी उत्पन्न कराते हैं तथा उक्त भूमि का पंजीकृत बेचाननामा वर्ष 2019 में होने के पश्चात भी मेरे नाम म्यूटेशन नहीं करवाने दे रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि 2019 में जमीन खरीद के साथ ही उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई, लेकिन म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पेश किया गया तो ग्राम पंचायत पटवारी द्वारा अवैध रुपयों की मांग की तथा अभियुक्त गणों से मिलीभगत के कारण पटवारी ने म्यूटेशन नहीं खोले एवं आज दिनांक तक पटवारी इसे फर्जी एवं गलत बताते हुए म्यूटेशन खोलने में टालम टोल कर रहा है, जिसके कारण प्रार्थिया को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा है। पीड़ित पक्ष ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्रकरण की जांच करवाकर उन्हें राहत दिलाने तथा भ्रष्ट पटवारी का तबादला सोरडिया से अन्यत्र करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शंकर सिंह, सुखदेव, रमेश सिंह, सोहन सिंह, किशन सिंह, मोहन सिंह, लाडू सिंह, नैना, गीता देवी, मैना देवी, पूनी देवी तथा बिदामी देवी सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। 28/3 को एक जमीन का विवाद था हमारा, कम से कम पिछले 10 सालों से उस पर विवाद चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में गोपाल सिंह पुत्र खंगार सिंह को इसका सीमा ज्ञान भी करवाया और सीमा ज्ञान करवाने के बाद में पटवारी जो हमारे सुरुड़िया हल्का के हैं अरविंद काठात, उसके द्वारा सीमा ज्ञान करवाया गया। सीमा ज्ञान करवाने के बाद में उन्होंने 5 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवा के उसके म्यूटेशन खोल दिए, जबकि पिछली कई रजिस्ट्रियाँ उनके पास पड़ी है, उनके म्यूटेशन नहीं खोले और 5 दिन में इसके म्यूटेशन खोल दिए। और हमारी रजिस्ट्री को जो तहसील में रजिस्ट्री करवाई गई उसको कुछ बता रहे थे कि ये गलत है, ये है, और वो कई पिछले 3 साल से उनके पास पड़ी, उसके म्यूटेशन उन्होंने नहीं खोले। तो ऐसे रिश्वतखोर पटवारी को हमारे गाँव से बर्खास्त किया जाए। इन्होंने कई ऐसे पिछले कई काम किए हैं जिसमें रजिस्ट्रियों का फेरबदल, नामांकन, ऐसे कई गलत तरीके के कार्य किए हैं। आपसी जमीन का विवाद चल रहा था, इसकी सूचना पटवारी को थी, उसने सीमा ज्ञान भी किया था, उसकी पूर्व की रिपोर्ट अभी उपखंड अधिकारी को दी है, उसके बावजूद भी उसने 28/3 को रजिस्ट्री करवा ली थी और 5 और 6 को उसमें नामांकन खोल दिए थे, बल्कि विरोधी जगह थी। 2014 से इसका विरोध चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और इसने खुद ने इसकी सीमा ज्ञान रिपोर्ट बना के तहसीलदार जी को पेश की थी, उसके बावजूद भी इसने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत लेके ये 5 दिन में इसने नामांकन खोल दिए, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त करें, निलंबित करें सुरिया पंचायत से।